नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर, आज बात करेंगे अलवर के बिदासर क्षेत्र में हुए एक ऐसे कांड की जिसने राजस्थान पुलिस का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। न केवल बेनकाब किया है बल्कि उस पर कालिक भी पोती है। सबसे पहले अलवर गैंगरेप कांड हुआ था जिसको लेकर पुलिस कटघरे में खड़ी है और राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। इसके बाद हुआ अस्पताल का रेप कांड जिसको लेकर भी पुलिस की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है और गहलोत सरकार इसको लेकर भी जवाब देने की स्थिति में नहीं। अब जो कांड हुआ है वो बदासर क्षेत्र में हुआ है, जो अलवर क्षेत्र में आता है, अलवर के इलाके में आता है। वहां पर एक महिला जो कि विवाहिता थी और जिसका पति असम में मजदूरी करने के लिए गया है, काम करने के लिए गया है, उस महिला के साथ उसके परिवार वाले, उसकी सास, उसका ससुर, उसका देवर और परिवार के अन्य सदस्य उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते थे, उसके पैसे छीन लेते थे और आए दिन उसे परेशान करते थे। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उस महिला द्वारा पुलिस को खबर भी की गई लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई नोटिस नहीं। और इसके बाद जब फिर से महिला के साथ मारपीट की गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए उसकी जठानी द्वारा और लगातार उसके साथ मारपीट की गई और उसके पैसे छीने गए, तो वह महिला परेशान होकर अर्धनग्न स्थिति में या लगभग निर्वस्त्र स्थिति में थाने के लिए निकल पड़ी। थाने का जो रास्ता था वो लगभग था 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर रास्ते पर वह महिला लगातार चलती रही, निर्वस्त्र चलती रही, लोग तमाशा देखते रहे, किसी ने भी उसे उसका तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया और यह पूरा तमाशा चलता रहा। इस बीच पुलिस को खबर भी की गई कुछ लोगों द्वारा कि एक महिला ऐसी स्थिति में जा रही है, लेकिन पुलिस ने उसको कोई नोटिस नहीं लिया। पुलिस चाहती तो तत्काल वैन भेजकर उस महिला को वैन में बिठा सकती थी, लेकिन राजस्थान की सड़कों पर 3 किलोमीटर तक यह तमाशा चलता रहा और इसका नतीजा यह निकला कि कई लोगों ने उस महिला के वीडियो भी बना लिए। जिन लोगों ने उसके वीडियो बनाए उनके खिलाफ तो पुलिस ने कार्रवाई की, उनके वीडियो जब्त किए। सीसीटीवी फुटेज में जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहां पर भी सभी लोगों ने, पुलिस ने मिलकर सभी से वो वीडियो हटवाए, जो सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड हुए तो उन्हें हटवाया। और इसके बाद जब पुलिस थाने पर पहुंची, जब महिला थाने पर पहुंची तो पुलिस वालों की आंखें खुली, उसको तत्काल एक चादर दी गई, चादर से उस महिला ने अपना तन ढका और फिर यह पूरा मामला जब प्रकाश में आया, जब यह पूरा मामला लोगों को पता चला तो इस घटनाक्रम को लेकर राजनीति शुरू हो गई। गहलोत सरकार पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे, पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे कि राजस्थान में आखिर यह हो क्या रहा है। लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान यह तीसरी घटना है जिसमें पुलिस कटघरे में खड़ी हुई है, एक महिला 3 किलोमीटर तक लगातार निर्वस्त्र चलती है, पुलिस को खबर करते हैं लोग और पुलिस सोई रहती है, पुलिस वहां पर नहीं पहुंच पाती। इससे पहले भी अलवर गैंगरेप कांड में यही हुआ था कि पुलिस ने गैंगरेप कांड के बेचारे फरियादियों को यह कहा, पति पत्नी को यह कहा कि फिलहाल तो पुलिस चुनाव में व्यस्त है इसलिए अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और जब गैंगरेप का वीडियो वायरल हुआ तो फिर पुलिस हरकत में आई और इसके बाद इतना बड़ा कांड हुआ कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस कांड की चर्चा की कि आखिर राजस्थान में ये हो क्या रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान के अलवर में खासकर एक शर्मनाक अध्याय और जुड़ गया है कि किस तरह से 3 किलोमीटर तक एक महिला पैदल चलती रही, निर्वस्त्र चलती रही। आप इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।